है, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रक्षेप करता है कि डी बी बराबर 3 CD। सिद्ध कीजिए 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। सबसे पहले जो दिया है आप लिख लेंगे, उसके बाद सिद्ध क्या करना है, 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC². तो यहाँ जो दिया है DB बराबर 3 CD, तो हम लोग इधर CD 3 में मल्टीप्लाई करना, इधर लाएंगे तो DB के साइड में डिवाइड करेगा यानी 3/2 हो जाएगा। अब आप इसको समझ सकते हैं 3/1, तो इसको समझ सकते हैं कि इस लाइन को हम लोग 3 और 1 4 भागों में बांट देंगे, 1 भाग 2 भाग और यहां से 3 भाग, इधर 3 और इधर 4 भाग, यानी CD क्या है, तो CD जो है पूरे BC का 4/4 है, यानी CD 1/4 है पूरे BC का। तो हम लोग हल करेंगे त्रिभुज ABD में, यहां देखेंगे ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण की जगह पर यहां कौन है तो AB² है और आधार आपका हो जाएगा BD और लंब AD। फिर यहां AB² बराबर ये जो DB है ये DB है, इस DB यानी BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BD को हम लोग लिख सकते हैं पूरा BC, पूरे BC में से CD को हटा देंगे तो जो बचेगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं BC माइनस CD का होल स्क्वायर, और ये AD ये वाला पद यहाँ रह जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जैसे A माइनस B का होल स्क्वायर करते हैं उस फार्मूले पर रख देंगे, BC² प्लस CD² माइनस का 2BC और इंटू CD और प्लस का AD² यहाँ रह जाएगा। यहाँ पर हम लोग CD को और AD को एक साथ कर लेंगे और BC अपने जगह पर है, 2 से CD के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ भी आप लिखे थे CD = BC/4, तो CD के जगह पर आप क्या लिख देंगे तो BC/4 लिख देंगे, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे दो बार में, और यहाँ आपका CD और AD दोनों एक साथ हो गया, तो CD और AD के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं तो AC, तो आ जाएगा इन दोनों के जगह पर AC का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा क्या तो BC² माइनस BC² / 2। अब ये 1 है और ये हाफ आधा है, तो एक में से अगर आधा को आप घटाते हैं तो आधा ही बचेगा, तो यहाँ आप लिख देंगे BC² / 2 और प्लस का AC². अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग इस समीकरण में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2AB = 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यानी बचा BC और यहाँ आ जाएगा 2AC। अब इसको जैसे वह क्रम में है वैसे रख दीजिए, 2AB² = 2AC² + BC²